तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। खास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है जिनकी गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगे होते हैं। अलॉय व्हील्स में अक्सर होता क्या है कि हम पूरी गाड़ी साफ़ कर लेते हैं, गाड़ी अच्छी दिख रही है, देखिए गाड़ी चमक रही है, गाड़ी पूरी साफ़ है, लेकिन ये व्हील्स की गंदगी की वजह से गाड़ी का वो लुक नहीं आता। जब तक टायर चमकेंगे नहीं जब तक गाड़ी का वो लुक नहीं आता है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, नहीं तो फिर उसमें छूट जाएगा। देखिए ये है एक WD40 और इसकी मदद से मैं गाड़ी को आज साफ़ करूँगा। WD40 और एक ये ब्रश और एक छोटा सा कपड़ा मुझे लेना होगा और एक ये मेरे पास है ये टायर शाइन टायर क्लीनर, ये 100-150 रुपये का मार्केट में मिल जाता है मुश्किल से, और WD40 जो है 200-250 के अबव में मिल जाता है। तो ये जो गाड़ी का टायर है ये बिल्कुल जब चमकेगा तभी गाड़ी का लुक आएगा। और ये ख़ासतौर पे जो कालक जम जाती है गाड़ी में, ये देखिए ये टायरों के पास ये जो कालक जमी पड़ी है, इसके लिए तो इसके लिए पहले तो हम इसको सादे पानी से थोड़ा साफ़ कर लेंगे, सादे पानी से इसको थोड़ा धो लेंगे और धो के देखते हैं जितना ये निकलने वाला चीज़ है उतनी निकल जाएगी और जो मेन पार्ट जो हमेशा जमा रहता था नहीं निकलता था वो इससे हम इसके बाद अप्लाई करेंगे कि कैसे निकालना है। इस पर मैं ब्रश भी अच्छे से यूज़ कर ले रहा हूँ, ये ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लूँगा और साफ़ करने के बाद बिल्कुल कोने कोने अच्छे से साफ़ करके फिर देखेंगे लास्ट में कौन सा पॉइंट बचता है जो कि हमेशा काला रह जाता है, साफ़ नहीं होता है। मैंने कपड़ा भी यूज़ किया है और कपड़े से भी मैं इसको घिस के साफ़ कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कॉर्नर आप देख रहे होंगे कि ये बाकी रह रहे हैं, ये कालक जमी हुई। अब इन कालक को हटाने का ही मेन काम है हमारा और ये जम के उसके बाद साफ़ नहीं होते। ये देखिए जैसे ये ऐसा लगता है ऐसे रस्ट आ गई है, ये देखिए ये काला है, ये काला है, ये और ये पूरी चीज़ें आज हम क्लीन करेंगे और इस गाड़ी को बिल्कुल नए जैसा अलॉय व्हील इसका बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए अभी ये टायर को हमने थोड़ा सूखा लिया है, सूख गया जब पूरा क्लीन हो गया है अभी, अब इसमें कोई भी पानी नहीं बचा है। पानी जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो हमने ये WD40 लिया है, WD40 को स्प्रे करेंगे इस पर, ये नोजल की हमको ज़रूरत नहीं है अभी, डायरेक्ट ही स्प्रे करते हैं उन कॉर्नर्स पे पहले करेंगे जहाँ जहाँ ये कालक जमी है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करेंगे और WD40 को हिला के यूज़ कीजिए। देखिए इस तरह से हिला के यूज़ कर लीजिए और ये पूरे पे लगा दिया और पूरा लगाने के बाद इसको हम एक ब्रश की मदद से जो टूथब्रश होता है सिंपल उसकी मदद से इसको हम थोड़ा सा घिस लेंगे और घिसने के बाद छोड़ेंगे। तो अभी मैं ये पूरे पे लगा के अभी दिखाता हूँ आपको, ब्रश है मेरे पास एक, ये ब्रश है टूथब्रश है जो हमारा ख़राब हो जाता है, इसी ब्रश से इसको हम घिस लेंगे, अच्छे से इसको घिस के बढ़िया से पूरा कि इसके अंदर तक ये पहुँच जाए और इसके बाद इसको हम थोड़ी देर छोड़ेंगे, 2-3 मिनट 4 मिनट जैसा लगे आपको, 5 मिनट छोड़ दें अच्छी बात है। तो इसको जब छोड़ देंगे तो ये उसको जो कार्बन जमा हुआ है वहाँ पे जो डिपॉजिट हो गया और जो रस्ट की तरह आपको दिख रहा है वो इसको ढीला कर देगा और इसको काटेगा, उसके बाद हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। पहले इसको अच्छे से लगा लेते हैं और ब्रश से जो हम लगाते हैं इसको घुमाते हुए लगाएंगे और अच्छे तरीके से, कोई भी कॉर्नर नहीं बचना चाहिए क्योंकि कॉर्नर पर WD40 गया तो है लेकिन जब हम ब्रश लगा देंगे एक बार तो उसका इफ़ेक्ट जो है डबल हो जाएगा। वैसे बिना ब्रश के भी आप साफ़ करेंगे तो साफ़ होगा लेकिन हाँ वो बात नहीं आएगी जो अंदर तक डीप क्लीनिंग की आती है। तो इसके लिए भी हमको तो डीप क्लीनिंग करनी है और बिल्कुल इसको रिस्टोर करना है नए के जैसा। देखिए थोड़ा थोड़ा रह गया था, अभी ये ड्राई हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा और स्प्रे कर लिया है और स्प्रे करके अच्छे से मैं इसको लगा रहा हूँ। दोस्तों मैं बहुत ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और लाता रहता हूँ, तो आप लोगों को अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको पूरे अच्छे से लगा दिया है और इसके बाद अब मैं एक कॉटन का क्लॉथ लूँगा, कपड़ा सादा, उस कपड़े से इसको साफ़ करना शुरू करूँगा। उस कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर लिया है, ये देखिए इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि वो जो कार्बन जमा हुआ था वो अब धीरे धीरे साफ़ हो चुका है और इधर का ये कैसे शाइन आ गई है, चमकने लग गया है। तो अभी करते हैं, अभी प्रोसेस बाकी है, अभी स्किप मत कीजिए वीडियो को, अभी बाकी है, अभी मैं पूरा टायर आपको बिल्कुल नया करके बताऊंगा, अभी रबर का पोर्शन भी बाकी है उसको मैं कैसे करता हूँ वो भी दिखाऊंगा।
वीडियो आप लोग फॉरवर्ड स्किप कर देते हैं बीच का ना, तो फिर वो बात नहीं आती है, आप लोग बीच के जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें छूट जाती हैं। मुझे भी मालूम है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कम से कम समय लेते हुए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, और कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसको साफ़ कर रहा हूँ मैं, ये देखिए आधा हिस्सा भी मैंने साफ़ कर लिया है, आधा हिस्सा बाकी है। ये देखिए ये अच्छे से और बिल्कुल नए के जैसा ये चमकने लग गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है कि हमने व्हील खोले नहीं है, तो इसके नट का जो एरिया रहता है जहाँ पे हम लोग ये बोल्ट टाइट करते हैं वो एरिया थोड़ा सा बच जाता है। चलिए वो उसके लिए, अगर आपको लगे कि इतना क्लीन करना है तो आप टायर खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फिलहाल मैं इसको यहीं से दिखा रहा हूँ, ये देखिए अब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा आप लोग खुद समझ सकते हैं। और ये अब मैंने इधर का भी साफ़ कर लिया है, अब देखिए ये पूरा क्लीन हो गया। अब रह गई बारी टायर की, टायर को कैसे हमको बिल्कुल बढ़िया चमकता हुआ बनाना है, तो इसके लिए मैंने ये एक टायर क्लीनर यूज़ किया है, फोम बेस होता है, ये फोम टाइप का इसमें से निकलेगा। तो इसको पहले अच्छे से हिलाएंगे और हिला के एक दूरी बना, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, मीडियम, देखिए इतनी दूरी से इसको स्प्रे करेंगे कि वेस्ट भी ना हो और पूरे टायर पर ये लग जाए। ये देखिए पूरे टायर पर लग गया, अच्छे से इसको लगा दिया हमने। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 5-7 मिनट छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये अपने आप ये जो फोम है ये गायब हो जाएगी और हमारा टायर जो है बिल्कुल नए की तरह चमकने लगेगा। देखिए 5 मिनट छोड़ते हैं, ये देखिए ये टायर मैंने अभी 4-5 मिनट छोड़ दिया है और देखिए कैसा चमकने लग गया है। अब इसका व्हील के साथ साथ ये ऊपर का टायर भी चमक रहा है, ये देखिए अलॉय व्हील जो है ये तो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं और ये टायर भी बिल्कुल नया जैसा चमक रहा है। तो गाड़ी का लुक अभी आएगा जब ये पूरा क्लीन होता है, गाड़ी के ऊपर से कितनी धो लें हम, लेकिन जब तक टायर ना साफ़ हो तब तक गाड़ी का मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए अब मैं पूरी गाड़ी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने चारों टायर कर लिए हैं इससे, और चारों टायर होने के बाद गाड़ी अलग ही चमक रही है। तो दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।